नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फिल्म दिल दे के देखो का टाइटल सॉन्ग। रफ़ी साहब का गाया हुआ, इसकी फरमाइश मिस्टर अजीत नायर ने की है। लेकिन इस गीत के लेसन से पहले कुछ बातें हो जाएं। एक तो अभी रिसेंटली किसी व्यूअर ने लिखा था कि करीब 40 इयर्स बैक उन्होंने एक माउथ ऑर्गन ख़रीदा था, थोड़ा बहुत बजाने की कोशिश की, फिर थक कर उन्होंने रख दिया था। और अब ये वीडियोस देखने के बाद उन्होंने फिर 40 साल के बाद माउथ ऑर्गन वापस निकाला है और बजाने की कोशिश करेंगे वो। तो ऐसे जो कमेंट्स आते हैं वो बड़े, उनको सुनकर बड़ा, उनको पढ़कर बहुत ही खुशी होती है कि चलिए कुछ तो फ़ायदा हो रहा है और कुछ लोगों को तो संगीत के प्रति फिर से उनका जो प्रेम है वो फिर से जाग रहा है। एक्चुअली जिन लोगों ने भी कभी इस तरह का कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ख़रीदा होगा बहुत पहले या अभी हाल में, चाहे वो फ्लूट हो या माउथ ऑर्गन हो, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान के दिल में संगीत के प्रति एक लगाव तो है, एक बेसिक। लेकिन हो सकता है कि उसको आगे सीखने के लिए कोई मटेरियल ना मिला हो, कोई गुरु ना मिला हो, या फिर हम सब अपने लाइफ में भी इतने, अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने में, फैमिली को सपोर्ट करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम, कोई बिजनेस में लगा रहता है, कोई नौकरी करता है, तो हम में ये एक सेकेंडरी सा हो जाता है, हम उसके लिए समय निकाल नहीं पाते हैं। तो मोस्टली ये, और हम अपने आप से कुछ प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते, तो इस तरह से वो एक तरह से छूट जाता है। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी कुछ मटेरियल अवेलेबल है, आप घर बैठे भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ख़ासकर मैं ये मानता हूँ कि जो मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं वो, पैसा तो ज़रूरी है ही इस बेसिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पैसे से खरीदी हुई हर चीज़ से आपको वो खुशी हासिल नहीं होती, और होती भी है तो एक टेम्पररी होती है। जैसे अगर हम कोई नई कार लेते हैं, नया कोई मोबाइल हैंडसेट, कोई गैजेट या कुछ भी लेते हैं, तो वो वियर आउट हो जाती है वो खुशी एक दो दिन, चार दिन के बाद। लेकिन जो पल हमको खुशियों के मिलते हैं वो नेचर हमें बिना किसी मोल के देती है। जैसे अगर हम किसी पार्क में किसी फूल को देखते हैं, किसी फूल की खुशबू लेते हैं, या फिर ऐसे किसी तितली को देखते हैं, किसी झरने को देखते हैं, पहाड़ों पर जमी बर्फ़ को देखते हैं, तो इनका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये हमें खुशियाँ देते हैं। उसी तरह से संगीत भी एक उनमें से एक है जो आपके मन को सुकून देता है। दूसरा, कई लोग ये भी, उनके मन में शंका होती है कि अब मेरी उम्र 60-62 हो गई है, तो अब मैं क्या सीख लूँगा, अब शुरू करके अब तो बहुत देर हो गई है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी अभी 60 इयर्स कंप्लीट करने के बाद, मतलब पिछले 2 साल से ही मैं समय दे पा रहा हूँ अपनी इस हॉबी को। उसके पहले मैं भी अपने कार्य में व्यस्त रहता था, तो और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये लेसन्स बनाकर। तो इस तरह से आप भले ही बहुत आगे नहीं सीख पाएँ, वो तो खैर इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस, अपने समय के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर मान लीजिए आप सरगम बजाना भी सीखते हैं, या आप एक दो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जैसे नर्सरी राइम्स कुछ सीख लेते हैं, कुछ आप एक दो गाने बजाना सीख लेते हैं, तो भी आपको खुशी तो मिलेगी उसमें। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि अब क्या सीख पाऊँगा, आप जहाँ जब भी, जब जागे तभी सवेरा जो है कहावत, उसी पे ही अमल करिए और बस शुरू कर दीजिए। तो अब इसके साथ ही एक और बात की, एक व्यूअर मिस्टर सुनील कुमार जी ने लिखा है, मेरे पिछले जो मैंने एक दो लेसन पहले ये बताया था कि सी की के हारमोनिका पे आप अलग अलग स्केल्स की सरगम कैसे बजाएंगे, तो वो मैंने कीबोर्ड के सहारे आपको बताने की कोशिश की थी। अब उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली है कि
अब आप उसको मोथरगन पे बजा कर दिखाते तो अच्छा था। तो वो काफ़ी वीडियो लंबा हो गया था, इसलिए मैंने ये ट्राई नहीं किया। तो अब मैं सोचता हूँ कि आपको एक एक करके लेसन्स के साथ ही मैं एक बार डेमो दे देता हूँ। तो हम सब जानते हैं कि जो 12 होल्स का हारमोनिका है उसमें जो 5th होल है वहाँ पे सी का नोट है, और वहाँ से शुरू होके आप सरगम बजाते हैं सी मेजर स्केल की, जो सारे गामा प ध नि सा इस तरह से हम लोग ने सीखा है। उसी तरह से अगर आप स्लाइडर को प्रेस कर देंगे तो आपको सी सब नोट्स हाफ स्टेप ऊपर हो जाएंगे और आपको सी मेजर स्केल की सरगम मिल जाएगी कुछ इस तरह से। पहले मैं सी मेजर स्केल बजा देता हूँ एक बार। अब इसी को प्रेस करके बजाएंगे जब स्लाइडर को, तो ये हो गया आपका। तो जिस स्केल के से आप सरगम बजा रहे हैं उस स्केल से ही शुरू होगी सरगम, उस स्केल के नोट से ही शुरू होगी। जैसे मैं अगर हम डी मेजर स्केल बजाना चाहते हैं तो हमें डी नोट से शुरू करना है और अगले ऑक्टेव के डी तक जाना है, लेकिन नोट्स चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम डी मेजर स्केल बजाना चाहें तो हमें डी से शुरू करना है, जो कि ड्रॉ करने से शुरू होगा। सॉरी, ये सा है। तो ये अब डी को आपको सा मानना है, यहां से सरगम शुरू होगी। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको एफ शार्प का नोट मिलेगा, ये दोनों नोट्स डी और ई मिलेंगे, फिर एफ शार्प मिलेगा, वहां पे आपको स्लाइडर प्रेस करना है, फिर जी ए बी, फिर सी शार्प जो इस स्केल का नी होगा, और फिर डी का नोट वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको डी मेजर स्केल मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने ओरिजिनल लेसन की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को एक बार ये अपर ऑक्टेव के सी से हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको, तो मैं एक बार बजा कर दिखा देता हूँ। चलिए इसके मुखड़े की पहली लाइन से शुरू करते हैं। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। तो ऊपर से ऊपर के नोट से शुरू होके नीचे आ रहे हैं। सा सा नी सा धा, पा पा मा पा मा। गा गा रे गा रे सा, गा
गा गा रे गा रे सा। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। रे 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 गा रे सा नी प ध सा। ये नी प ध लोअर ऑक्टेव के नोट्स। रे 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 गा रे सा नी प ध सा। हो दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। जिसमें सेम होंगे सिर्फ रे हो की जगह एक रे और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। रे 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 ग रे सा नी प ध सा। तो ये हो गया इसका मुखड़ा पार्ट और इसी तरह से इसका अंतरा एक क्विकली देख लेते हैं। पूछो 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 परवाने से जरा। सा 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 सारे रे नी ध प। नी ध प सारे रे नी ध प। धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। रे 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 पापा गरे सा। रे 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 पापा गरे सा। हो तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी। हो गमा प हो गमा प धा धा मा पापा गरे सा। गमा प धा धा मा पापा गरे पा गरे सा। दिल देख देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी। तो इस तरह से सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। अब बजा कर देखिए। बहुत ही सिंपल नोटेशंस हैं और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। कहीं कोई इसमें स्लाइडर की ज़रूरत नहीं है सीखी के हारमोनिका पे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, अगर पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे और वीडियोज़ देखने को मिले। और जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू।